हेलो 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 सुमेध, वेलकम। हेलो, हेलो, थैंक हेलो मालिका, हाय, वेलकम। यू सो मच। यू लुक सो प्रिटी। कहाँ हो? स्टूडियो में हो, घर पे हो? नहीं, घर पे हूँ। वेरी नाइस, यू लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। बहुत अच्छे लग रहे हो बोथ ऑफ यू। वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट, वेलकम। थैंक थैंक यू। व्हाट एंटिसिपेशन, व्हाट मैडनेस। मुझे बताओ, सुबह से आपको पता है कि देयर इज ऑलमोस्ट भूकंप गोइंग ऑन? कब होगा लाइव, कब होगा लाइव, कब होगा लाइव, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपके फैंस, दे हैव गॉन क्रेजी। दे हैव पेंटेड द एंटायर सोशल मीडिया टुडे। अभी आई थिंक इसने भी और मैंने भी पहली बार, मैंने तो पहली बार खोला इंस्टाग्राम क्योंकि सुबह से हम बिजी थे, तो अभी जाके मैं देख रही हूँ। तो सुबह से काफी अच्छा खासा, मतलब टैगिंग एंड दिस एंड दैट, वी आर नॉट एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड, ये वो, मतलब लोगों ने लिटरली ना ऐसे पर्चे बना बना के भेजे जिनकी पूरी बुक बन सकती है। ये पूछ लेना, बर्थडे प्लान्स भी पूछ लेना, अच्छा सुनो ये भी पूछ लेना आज, मतलब अच्छा ठीक, हाँ जरूर आज बिठा लेती हूँ 2 घंटे और आपको सब पूछ लेती हूँ। ये भी पूछ लेना कितने शूज हैं, कितनी शर्ट्स हैं, कितनी बालियां हैं। सो या गाइस, कंग्रेचुलेशंस, मतलब दिस काइंड ऑफ मैडनेस इज वेरी वेरी हार्ड अर्न। कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, इट्स अमेजिंग। थैंक ओके, सुमेध एंड मालिका, सबसे पहले हाथी घोड़ा पालकी के लिए कंग्रेचुलेशंस। टेल मी समथिंग अबाउट योर शो, ऑल योर फैंस हु आर वॉचिंग यू राइट नाउ, अबाउट योर शो। यस, नहीं, वी वी एक्साइटेड। आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है रिस्पॉन्स। आज कुछ लोगों ने देख के पिक्चर्स वगैरह पोस्ट किए हैं, एंड लेट्स सी। वो थोड़ा गूजबम्स वाली फीलिंग होती है जब तक ऑन स्क्रीन ना आए और हम खुद भी ना देखें, हमें भी पसंद आए, हमारा काम और लोगों को भी आए। यू नो, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आई एम वेटिंग फॉर इट। मलिका, ऑब्वियसली आज लॉन्च है तो फिंगर्स क्रॉस सबको बहुत अच्छा लगे। पहला एपिसोड आज लॉन्च होने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं कैसा जाता है रिस्पॉन्स। अच्छा, कभी भी, मतलब नो मैटर हाउ मच यू वर्क एंड कितना भी किया हो, किसी भी चीज का फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, नो? द सेम फीलिंग, और यू डू यू फील अ लिटिल सेटल्ड पहले से? एज कम्पेयर टू राधा कृष्ण, अभी थोड़ा आई गेस आई एम लिटिल मोर काम। बट यस, इट्स ऑलवेज देयर। यू नो, मुझे लगा था कि शायद इतना भी नहीं होगा, आई विल बी कम्प्लीटली सॉर्टेड, बट ऐसा नहीं है। आई एम लिटिल नर्वस इनसाइड, हाउ इट विल गो, कैसे होगा, क्या नहीं, लेट्स सी। जब आएगा तो भी पता चलेगा। मालिका, डू यू चेक योर फोन्स कॉन्स्टेंटली ऐसे लॉन्च वाले दिन? टक करना तो शायद हम सब चाहते हैं बट टाइम नहीं मिल पाता, नेटवर्क इश्यूज इतने होते हैं। जब भी चेक करते तो टक इतने सारे होते हैं ना कि उसके लिए हमें आराम से घंटे चाहिए देखने के लिए। हर एक का फोन, हर एक का टैग, ये सब जिसने भी हमें टैग किया है, जो भी एक्साइटेड है, तो बहुत मन करता है कि एक दिन बस एक दिन उठे और बैठ के सबके हम टैग्स देखें, मैसेजेस देखें, बट वो मिल नहीं पाता है। आई एम वे मोर एक्साइटेड है। ओके, टेल मी वन फन, मजेदार, एनी मेमोरी। मतलब अभी पहला एपिसोड जाने वाला है, कोई एक, जब ये यू नो टेलीकास्ट होगा एंड ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ, उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हो अबाउट दिस दिस फर्स्ट एपिसोड, व्हाट वुड बी टेक अवे फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड? क्या 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 इमोशंस हो सकते हैं? Who's answering first? मालिका, सुमित, जिनको जो भी, जिनको भी मान करे पहले। I guess so. People will smile, and people will definitely have tears in their eyes, or उनको एटलीस्ट टच तो होगा दिल में, कहीं ना ऐसा इमोशन तो उनमें जागे, दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। That's सेंटी होने something वाले हैं। very, very sure. मालिका, व्हाट डू यू थिंक, आज पहले एपिसोड के बाद परम फीलिंग क्या होने वाली है? आई थिंक ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग एज ऑलवेज, क्योंकि जब भी कोई नई शुरुआत होती है, बेशक हम राधा कृष्ण कर रहे हैं, अभी नया शो है JKL के, उसका भी एक अलग ही, मतलब वो नर्वसनेस भी है, वो खुशी, बहुत खुशी है अंदर, फूट फूट के भरी है कि आज लॉन्च होने वाला है, उसके बाद रिस्पॉन्स कैसे होगा अपनी ऑडियंस से, क्योंकि राधा कृष्ण के जैसा ही एक नया शो आ रहा है जो कि बहुत बहुत चेयरफुल है, उसके गाने, और एक छोटे से बच्चे से शूट करवाया गया है, कैसा होगा ऑब्वियसली आगे जाके आएगा, बट बहुत सबके बहुत
बहुत हमारे हार्ट में बहुत अटैच्ड है शो से, तो अपने ही टीम है, प्रोडक्शन डायरेक्शन, सो जिस हिसाब से शो किया है ऑल आर एक्साइटेड. हमने भी हम अपना शो ये पहला एपिसोड नहीं देखा है, हमने पहली बार सरप्राइज फॉर अस एज वेल. नाइस Nice. Congratulations on that note. Let's move to some fun questions. और ये इसमें बहुत सारे सवाल have been sent by your fans. उसमें से जितना हम figure out कर सकते थे उतना हमने figure out कर लिया है. जिम्मेदारी तो सब कुछ दे दी थी पता करने की. But still, okay, Mallika, let me start this from you. Your real life heroine, जिंदगी में आपकी heroine कौन है जिनसे आप हमेशा throughout inspired रही हैं? देखो मैंने इतना ना टेलीविजन में इतना घुसी नहीं हूँ ना, मैंने इतनी मूवीज देखी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने अगर किसी को बचपन से फॉलो किया है ना कि एक मोटिव था इंडस्ट्री में आपका टेलीविजन स्क्रीन पे दिखने का, तो आई वुड रेफर माय ओन मासी. वो एक्टर है, वो देख के मुझे इंटरेस्ट जागा. बीच में बच्चों का क्या होता है, कभी बनना है कभी बनना है, एम्बिशन अलग अलग होते रहते हैं, या कभी ये बनना है वो बनना है. उनको देख के ना वो दिल में कहीं था, बट आई नेवर थॉट ऑफ being here, like and getting into the industry. तो उनको देख के मुझे, मैं किसी हीरोइन का नाम मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इतना किसी को डीपली इतना फॉलो किया नहीं है, बट मैंने अपनी मासी को देखा है, वो इंडस्ट्री में काफी सालों से है. तो उनको देख के मैं शायद I would like to thank her, तो शायद उनकी वजह से होंगी, because she is very ambitious towards her work. और मेरे को बहुत मतलब क्रेज था कि कभी तो मैं मतलब उनको स्क्रीन पे देखती थी, कभी मैं दिख पाऊंगी कि नहीं, कभी मैं इस फील्ड में जा पाऊंगी कि नहीं. तो ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी को पर्टिकुलरली देख के या किसी एक्टर को या हीरो को, बट उनको देख के. और यहाँ पर आने के बाद मैंने और नई चीजें जानी, बिकॉज आई वॉज अ किड दैट टाइम, आई डिडंट न्यू कि कैसा होता है क्या होता है, बस अपने सपने होते हैं, अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, जिंदगी क्या होती है वो हमें मैच्योर होने के बाद ही पता चलती है. वो तो जब ग्राउंड्स पे हम पैर रखते हैं तब पता चलता है कि सॉलिड कितना, शेकी कितना, एंड देन यू धीरे धीरे लर्न टू पुट योर स्टेप आगे 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 आगे. बट ऑब्वियसली अगर आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, somebody would admire that person, that's always your go-to person, and you can talk to her and maybe, you know, get that support all the time. Sumedh, your real life heroine. My real life heroine. हमेशा ये क्वेश्चन हीरो होता है, मैंने आज हीरोइन लगा. I guess my real life heroine is my mom, definitely. This is upset, you know. I feel bad every time I cannot go home on her birthday, on my birthday, Diwali. Abhi Dasera pe bhi plan ban raha tha, but last moment, as we were doing two shows at the same time, and pura hum continuously shoot kar rahe the. Bahut sare scenes humne takriban raat ko 2-3 baje ke aaspaas pre shoot kiye. तो मैं जा नहीं पाया, तो बट वो अगर नहीं भी मेरे आसपास है, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड. मतलब ऐसा कभी उसका ये नहीं होता कि कंप्लेंट्स कि तुम नहीं हो यहाँ पे, यू मस्ट बी देयर एज अ सन, एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, यू मस्ट बी देयर. शी अंडरस्टैंड्स दैट आई एम वर्किंग एंड देयर आर सर्टेन रूल्स आई हैव टू फॉलो, देयर इज अ क्रू, द पीपल वेटिंग फॉर इट. तो वो हर एक चीज मेरी मम्मी समझती है. एंड आई गेस सो अगर ये चीज ये प्यार, ये सपोर्ट और ये अंडरस्टैंडिंग, ये सैक्रिफाइस अगर उनके नहीं होते तो शायद मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाता जो कर रहा हूँ. सो ट्रू, मॉम्स आर द बेस्ट. टू दिस हार्ट, टू ऑल द मदर्स आउट देयर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, दिस मींस अ लॉट एक्चुअली. अच्छा मल्लिका, स्कूल के टाइम पे कोई एक ऐसी चीज जो तुम करती थी और तुम्हें लगता था कि तुम बहुत कूल चीज कर रही हो, बट नाउ व्हेन यू लुक बैक यू आर लाइक ऐसा वो कोई कूल वूल नहीं था, यू नो. लाइक आई रिमेम्बर, मैं अपनी गिविंग यू अ रेफरेंस, मैं ना टोपी ऐसे साइड में कर लेती थी, तो मुझे लगता था मैं बहुत स्टड हूँ, एंड बाद में मैंने 2-3 पिक्चर्स देखी एंड आई वाज लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना चाहती, बट मेरी एक आदत थी, मैं इकलौती मैं थी जो कभी एक स्पोर्ट्स या कभी कोई भी एक्टिविटी पूरी नहीं की है. आधे साल में मैंने स्केटिंग सीखा, मैंने स्विमिंग सीखा, मैंने इन 5 सालों में जो मैंने जम्मू में बिताए हैं उसमें स्पोर्ट्स कवर अप करना चाहती थी और एक ही बार में सब कुछ सीखना चाहती थी. तो वो एक चीज थी कि बहुत कूल है हमेशा एक चीज को आधे में ही छोड़ के मैंने दूसरे में भाग जाना. तो ऐसा होता, बास्केटबॉल सीखा, हैंडबॉल सीखा, बैडमिंटन सीखा, स्विमिंग सीखा,
हर एक चीज, हाँ स्केटिंग भी, कितना गिरी हूँ, कितनी चोटें खाई हैं, बट उसके बाद कुछ भी मैंने पूरा नहीं सीखा. तो आज की डेट में वो चीजें हेल्प करती हैं, अगर मैं कुछ चीज अगर करना चाहती हूँ तो. वो जैसे कैसियो, म्यूजिक में भी कैसियो वगैरह सीखा, गिटार नहीं सीख पाई, उसको बहुत अफसोस होता है. तो अरे बट आई एम ट्राइंग. तो ऐसा कुछ पूरा आई नहीं नो सीखा, तो लगता था बहुत कूल है मैं यूं और मैं सब सीख लूंगी, बट ऐसा होता नहीं है, हमारा भ्रम होता है. तो वो चीज मुझे होता बहुत कूल लगती थी बचपन में, बट आज की डेट में रियलाइज होता है. बट है दे और सो अभी मम्मी से सुनने को मिलता नहीं था कि तेरे ऊपर अभी आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन यू, पहले स्विमिंग खत्म करके आओ, अभी आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन यू, स्केटिंग खत्म करके आओ. सो मम्मा ऐसे कुछ बोलती थी कभी? नहीं, मैं तो बोलती हूँ रोज, हर दूसरे दिन मैं बोलती हूँ मम्मा आज मुझे स्विमिंग सीखना है, आज मुझे स्केटिंग सीखना है, आज मेरी टाइकोंडो तक तो मम्मा ने जबरदस्ती सिखाया था, टाइकोंडो कराटे ये मैंने 2 साल सीखा. इतनी फाइट्स खाई, वाह लास्ट फाइट में इस दफा नोज पे पंच हुआ तो मेरा वो खत्म हो गया, वो लास्ट थी. तो उसके बाद मैंने कभी कंटिन्यू नहीं कर पाई. उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे शूट्स में हम बिजी रहे, तो मेरा वो सब छूट गया. बट बीच में बहुत क्रेज होता है कि कभी कभी वापस स्टार्ट करो, तो वो जो छोड़ा हुआ है ना वो हम पिकअप कर लेते हैं बहुत जल्दी, तो दैट हेल्प्स मी अलॉट. तो हमारा फिर माइंड एक जगह फोकस नहीं करता कि हमें यही सीखना है, मेरा दिमाग 10 जगह भागता था कि मुझे ये भी सीखना है, सीखना है मुझे ये भी सीखना है, यही रहता था. तो ये वाह जैक ऑफ मेनी ट्रेड. सुमित, व्हाट वाज वन थिंग दैट यू यूज्ड टू डू एंड यूज्ड टू थिंक ये बाड़ी बट अब लगता है ये क्या कर रहा था मैं? I guess my life changed when I realized that, right? मुझे जब realize हुआ, मेरे सवाल थोड़े अजीब हो सकते हैं, but that's how it is. I guess so peer pressure is something. As a kid, I thought was cool, but as a group, I realized that it's not. तो peer pressure में आके मैं कैसा बन गया था, ऐसा इंसान बन गया था, it was not pretty cool. So later I realized that it's not good, then I discovered I wanted to do and I started getting serious about my work. I gave everything to my work and then work gave 3 times more to me. So aisa mere sath hua. So peer pressure mein aaj bahut sari cheeze karta hu. Peer pressure, I know, peer pressure. That time मैंने जो टोपी वाला बताया था, that इसलिए happened because Anjali was wearing टोपी ना, कुछ कुछ होता है ये time पर. So I was like, बे मैं ही अंजलि हूँ, साइड में लगा के ऐसे घूम बेचारी मेरे माँ बाप. But anyway, those are memories. So I thought I will ask this question to you both also. हम सब ने किया है ये. Sumed, who was your first crush when you went full out? Like, मतलब बताया नहीं, but crush करते ही रह गए. शिजुका. Like वो देख के ऐसा लगता था क्योंकि हमें पता नहीं चलता उस टाइम पे क्रश वश क्या होता है, चीजें पता नहीं होती थी. क्या एक्चुअली अगर आंसर चाहते हो तो एक स्कूल में मैं जब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था तो तब एक लड़की पे मुझे क्रश था, पर वो मतलब कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं जाके कह सकूं, मुझे पता भी नहीं था कि इसको क्रश कहते हैं. एंड डेफिनेटली आई वाज वेरी स्मॉल टू इवन अंडरस्टैंड, वो एक होता है फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था तो बस था उतना मुझे पता. बाद में पता चला होगा कि वो क्रश जैसी कोई फीलिंग थी, अच्छा लगता है. लाइक ऐसे बाद में जब सब लोग बात कर रहे थे कि क्रश है मुझे, इस पे क्रश है, ये सब सब ग्रुप आपस में बात कर रहे थे, क्रश क्या होता है, मतलब पसंद करना. तो सो देन आई रियलाइज दैट ओ ऐसी बात है जैसे, तो फिर अच्छा मेरा भी था ऐसा हो गया. वाओ बचपन, बचपन का प्यार कभी दूर नहीं जाना रे. ओके मालिका, सेम क्वेश्चन टू यू. यू नो And you didn't tell, but just you generally like somebody. Can be class 1, 2, 3, 4, whatever. Jo bhi you are comfortable with. मुझे honestly इसका answer क्या देना है पता नहीं, but same as Sumit said कि उस time नहीं पता होता है. तो और ऐसा कभी मैंने I don't think so. दोस्ती होती है अभी लड़कों से, अगर दोस्ती हो जाती है उस time पे उस दौरान, तो obviously सब से नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं कि क्रश है ये वो है, जबकि हमें किसी को नहीं पता होता है कि ये चीज होती क्या है. तो ऐसा तो आई वोंट मेंशन एनी नेम, बट मैं ना उस टाइम पे ना मेरी मम्मी ने बहुत बुरी आदत डाली थी मुझे, वो मुझे ना फेरी टेल्स की दुनिया में
ये स्टोरीज, और रात को मेरी जब भी मैं सोती थी रात को तो मुझे रोज ये लोरी लोरी वगैरह ये सब सुनाते थे, तो मुझे उसके बिना नींद नहीं आती थी जब मैं बहुत छोटी थी. तो हमेशा स्टोरी बुक्स पढ़ना, मैं ज्यादा उस समय इतना इन्वॉल्व थी ना कि वो दुनिया मुझे रियल लाइफ से कहीं ज्यादा बेटर लगती थी. तो सब जब वो मुझसे छीन ली थी तो I got back to the reality that this is what we live in. This is life, not that which we used to read at the time. So, ऐसा कुछ नहीं था. मैं fairy tales की किताबें पढ़ती थी, ये सब stories पढ़ती थी. उसमें से जो होता था ना, वैसा ही मेरा crush था कि भाई ऐसा मिल जाए कभी life में, अगर life partners really exist करते हैं अच्छे आगे तो. तो ऐसा कुछ mentality था मेरा, ऐसा कुछ नहीं था कि किसी पे crush है. I was very imaginative, very much. Are you still there? Is that zone protected in your head, Abhibi, in spite of the reality checks and whatever? Still... Sometimes, whenever I get back to that zone, I am into that zone and I forget the real world exists. But obviously, you get mature, you grow up, and this is not what it is you have to live in. These are just the imaginative stories you get into. ये बढ़ती उम्र मत कहते ना, बढ़ते एक्सपीरियंसेस बहुत सारे दिल के टुकड़े करते हैं. एंड यू नो देयर सो मेनी थिंग्स यू बिलीव इन एंड लाइक दिस इज नॉट ट्रू. आई वाज टोल्ड दिस थिंग इज फैल. आई अंडरस्टैंड दैट. आई जस्ट सुमित, व्हिच इज वन गाना यू कैन डांस पूरी जिंदगी, लाइक कभी बजेगा सुमित दिल को फॉरएवर. आई गेस ऐसा कोई गाना नहीं है जिसको मैं जिंदगी भर डांस कर सकता हूँ. बट एक गाना है जो जब भी मैं सुनता हूँ जितने भी दिन बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मल्हारी बाजीराव मस्तानी का बहुत अच्छा लगता है मुझे गाना. बजने तड़क तड़क वो वाला एनर्जी. अरे आपको तो पता ही होगा ना गाने कौन से क्या है नाम से. हाँ आई नो मल्हारी मल्हारी बजने दे धड़क धड़क डोलता से बड़क बड़क ना 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 मल्हारी. आई ये एक ऐसा गाना विच पुट्स एनर्जी इन यू लाइक दिस, यू आर लाइक दिस एंड यू फट करके आप ऊपर हो जाते पर्सनली. सो दिस द सेम ट्रैक फॉर यू, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू यू? या इट डज, इट डज. आई थिंक सो म्यूजिक से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ. बहुत मुझे हेल्प होती है म्यूजिक से. इवन कैरेक्टर्स मूड्स, किसी सीन में किसी मूड में घुसना है तो आई लिसन टू द म्यूजिक विच विल गेट मी इन दैट मूड, सो दैट हेल्प्स मी. तो म्यूजिक में बहुत सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ, बहुत हेल्प करता है मुझे नए नए कैरेक्टर्स डिस्कवर करने में भी बहुत हेल्प करता है. तो दैट्स इट. तो मैं सुनता रहता हूँ ये अलग 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 गाने, बट ये गाना जब भी बजता है ना मुझे उतनी एनर्जी. Yeah, that's true. Which is your all-time favorite love song? All-time favorite, चलो all-time ज़्यादा हो गया, इतना क्या all-time रहेगा? Recent में जो अभी you know list पे है ही है types. मुझे मुझे पूछ. हाँ आपके लिए. We'll move to मलिका. Questions के लिए. The question is for you. Your all-time favorite love song जो हमेशा आपकी गाड़ी में रहता है, मतलब कभी भी सुनो अच्छा लगता है गाड़ी में या फिर you know your phones पे कभी भी. अरे जवाब दो सुमित, इतने सोच में. सुमित आपके लिए था क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन. हाँ यार मैं इतने डर गया, मैंने सोचा सुमित इतना सोच कैसे रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि उससे पूछ रहे. नहीं, कोई ऐसा गाना जो रोमांटिक है मैं सुनता हूँ, नहीं ऐसा कोई याद तो नहीं आ रहा है रोमांटिक गाना. कोई कोई गाना याद नहीं आ रहा, बट हाँ एक है वो जो पुराना हम सुनते थे D3 के टाइम पे भी हम लोग सुनते थे, बहुत अच्छा गाना है पहला नशा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. वैसे तो बहुत सारे गाने आते हैं बट बहुत लंबे समय तक मैं नहीं सुन पाता हूँ बहुत सारे ऐसे गाने. वो एवरग्रीन नहीं लगते ये पुराने गाने जो है मुझे. दिस सॉन्ग इज स्टेड विद यू बेसिकली, ये गाना या is with you. Okay, Malika, the question is for you now. You're the one gana, you matlab wo bajna hai and you will move up with your haath par chalega and your favorite love song also. Dekho, agar pehla question ka jawab dena chahun to ye hai ki
पंजाबी सॉन्ग्स आई लाइक सो मच कि कोई भी मतलब झूम उठता है उसपे तो डांस को आता है नहीं आता है वो भी करते हैं. सो आई लाइक पंजाबी सॉन्ग, नॉट एनी पर्टिकुलर वन आई वुड मेंशन, बट मुझे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद है. एंड ये ऐसा रोमांटिक सॉन्ग तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी कोई, बट आई थिंक पहला नशा हर एक यंगस्टर का फेवरेट होगा और सबसे तो उसको मेरा मेरे दिमाग में भी यही आया और कोई मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द मूड. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, नॉट जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द मूड व्हिचएवर सॉन्ग यू वांट टू हियर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड यू जस्ट गो इन द जोन, गो इन द फ्लो एंड यू जस्ट एंजॉय इट. देयर इज नो पर्टिकुलर सॉन्ग. True. Okay. Okay. राधा के पास भी सुपर पावर, कृष्ण के पास भी सुपर पावर, बट अभी अगर हम कहें सुमेध के पास वन सुपर पावर एंड मालिका के पास वन सुपर पावर, क्या सुपर पावर चाहिए एक दिन के लिए मिलेगा उसके साथ क्या करने वाले हो? यू कैन टेक योर लाइक यू नो टू सेकंड्स टू थिंक क्या करें. अगर ये ऐसी सुपर पावर्स है जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन वैसी वाली है? हाँ कुछ भी कुछ भी कुछ भी, एनीथिंग जो बेचारे इंसान के बस की तो नहीं है. और उसके साथ किया क्या जाएगा? सॉरी यार मैम थोड़ा सा, बट यू नो आई थिंक दीज आर मतलब आई एम एक्सपेक्ट, मुझे लगता है कि मजेदार चीजें निकल कर आती है, सो I'm putting you guys a little to, you know, think. In case you're not comfortable answering, toh mujhe koi problem nahi hai that I can skip the question. Soch raha hoon main. Aisa acha. Kabhi gayi nahi. Acha main kyun har baar pehle jawab? Acha theek hai. Okay, Malika. Aap bhi gayi pehle. Usse pehle to 5 baar main hi gayi. अच्छा मेरे पास ना कॉइन नहीं है, नहीं तो मैं भी टॉस कर लेती. कोई बात. ओके मैं इनविजिबल होना चाहूंगा एकदम से, और इनविजिबल होके मैं घूमना चाहूंगा हर जगह, यू नो एट ऑल द प्लेसेस जहां मैं घूम सकता नहीं हूँ, यू नो गो समवेयर एंड देन पीपल ऑन द सेट्स दे विल गो क्रेजी कि कहां है सुमित, कहां है सुमित, ये शूट लगाना है, ये होना है, वो होना है, वो तो थोड़ा वो भी चीज हो जाएगी, बट मैं जाऊंगा सब जगह घूमूंगा, सब लोगों के बीच में बैठूंगा, सुनूंगा क्या बातें होती हैं किसी की, है ना, जहां मैं नहीं होता हूँ तो लोग क्या बातें करते हैं, मैं घर जाऊंगा, हाँ जानना चाहूंगा कि जब मैं जब हम नहीं होते हैं तब क्या होता है, वो देखना चाहूंगा हर जगह. It'll be very interesting. Yeah, it'll be very interesting. बहुत दिल भी टूट सकते हैं इसमें. तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे. वो तो वैसे भी ज़िंदगी में चलते हैं. हाँ, वो तो चलते ही रहते हैं. That's true. I agree. Malika, your super power. What will you do with that? देखो आपने जब पहली बार क्वेश्चन पूछा था ना तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया था. मुझे नहीं पता प्लीज कोई जजमेंटल मत होना, बट सबसे पहला थॉट यही है कि हम इतने ग्रो हो रहे, इतनी जल्दी से टाइम इतना जल्दी से बीत रहा है, कभी इतनी शॉर्ट इतनी आराम से बीतता है, कभी इतना देरी से बीतता है, कभी इतना दुख होता है, कभी इतनी खुशियां होती है. तो मैं चाहती हूँ कि वो सुपर पावर मिले ना, तो मैं मिलना चाहती हूँ कि सच सही मायने में इसका लाइक क्रिएटर कौन है भाई, लाइक एंड व्हाट इज द hidden secret behind all these things, this world and this humanity and every living creature, like this. ये जानना है मुझे बस. Wow, that's very interesting and very deep. Actually, thought provoking, सोचने वाली बात है. Seriously, this is a very good answer. Actually, I got my answer. And Sumedh, what is one thing जो आपने बचपन में करी, मतलब your किरदार कृष्ण is नटखट and कृष्ण is the So, when you were a kid or when you were in college, what was one thing which got you into borderline trouble? बच गए बस. Because करने तो कुछ कांड नहीं गए थे, मस्ती मस्ती थी. I guess वही
आई थिंक सो एज अ किड बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे आसपास ऐसी होती थी, यू नो ऑल द कूल गाइज जो स्कूल में होते हैं वो सारी चीजें करते थे, तो मुझे बहुत ऐसा लगता था, आई वाज लाइक आई वाज मिस्चीवियस, तो मैं तो मस्ती बहुत करता था, तो मेरी इनके साथ पहले बनती थी. बट देन देयर आर यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स व्हिच यू आर गुड फॉर योर लाइफ एंड यू हैव टू डू, एंड देयर आर सम थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो जो नहीं करनी चाहिए चीजें उन लोगों के साथ घूम के वो सब सारी चीजें लाइफ में करता था, मस्ती करता था मैं, बंक करता था. बट व्हाट इट हेल्प मी विद इज कि आई यूज्ड टू बंक बट आई यूज्ड टू गो फॉर डांस प्रैक्टिसेस लेटर, कि मैं स्कूल ना जाके मैं ये सब चीजें ओके देन डांस कंस्ट्रक्टिव भी था. आई मिस दैट टाइम, आई मिस दैट टाइम, आई स्कूल, आई मिस माय स्कूल, बहुत सारी चीजें ऐसी. हेलो हेलो, तो वो ऐसे डाउनफॉल आते आते ही हमने देखा कि कैसे लाइफ ग्रो करती है. सुमित, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है कि आपने पक्का स्कूल की दीवारें कूदी होंगी, फॉर श्योर, जस्ट माय असम्पशन. नहीं दीवारें थी नहीं है एक्चुअली, हमें एग्जैक्ट एक गेट होता था, एक फ्रंट गेट एक बैक गेट, तो बैक गेट की बात करते हैं, जरूरत नहीं पड़ी, मतलब दरवाजे से ही आना जाना, दीवार कूदने का ऐसा कोई फैंसी कुछ नहीं किया. ओके मलिका, योर वन फन थिंग व्हिच ऑलमोस्ट, मतलब इट वाज जस्ट फन बट यू ऑलमोस्ट गॉट इनटू ट्रबल. बहुत सारी व्हिच वन कैन यू डाइव इन, नो कोई भी क्यूट वाली स्टोरी. हमारा एक ग्रुप था और मैं अकेली जूनियर थी और मेरे सब सीनियर्स थे, सो वी यूज्ड टू, आई होप कि अभी तो मैं स्कूल में नहीं हूँ तो मुझे कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी और कोई बुरा नहीं मानेगा, बट हम असेंबलीज बंक करते थे, ठीक है, और वो हमारे यहाँ बस 40 मिनट्स होते थे उस टाइम पे. हम पूरे स्कूल में घूमना, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ डिसाइड करना कि आज हम ये करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे, और एक दिन हम पकड़े गए. और कई बार तो हम म्यूजिक क्लासेस चले जाते थे, हमारे जो म्यूजिक के सर थे वो बहुत सपोर्टिव थे, मैं ये सिखाता हूँ, कभी डांस क्लास का चाबी ताला ले लिया, वहां घुस के हम डांस करते थे, फुल ऑन डांस करते थे एवरी डे, एंड रोज असेंबली बंक करते थे. तो बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पकड़वा दिया था, वी ऑल गॉट कॉट समडे, देन उसके बाद, बट आई रिमेम्बर दोस डेज, दे वर वेरी मेमोरेबल, आई स्टिल मिस देम. वो भी एक लाइफ थी, वो हमारे लिए बहुत बड़े रिस्क होते थे उस टाइम लाइफ के, ऐसा लगता था झंडे गाड़े, क्या क्या बंक किया. वाह, एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क आफ्टर द असेंबलीज ओवर वेयर वर यू, वी विल कंप्लेन, वी यूज्ड टू बार्टर 5 चॉकलेट्स टू एवरीवन, नो यू जस्ट कीप योर माउथ शट, आई विल डू व्हाटएवर यू वांट टू. गुड फन, यू हैड अ फन स्कूल लाइफ फॉर श्योर, नाइस, एंड यू हैड एंटायर गर्ल ग्रुप टू सपोर्ट, की मैडनेस की प्लानिंग, चलो अब ये करेंगे, सुपर. सुमित, आपका एक फैब मोमेंट, आई नॉट टेक मच टाइम, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लास्ट टू क्वेश्चंस नाउ. सुमित, योर वन फैन मोमेंट, वी हैव स्पोकन अबाउट इन पॉडकास्ट, ओके, बट हम, मुझे ऐसा लगता है लाइव पे भी एक बार शेयर करते हैं, इसलिए मैं ये सवाल रिपीट कर रही हूँ आपसे. योर वन फैन मोमेंट विच वॉज इमोशनल, ओवरवेलमिंग, स्टेज विद यू, विल स्टे विद यू ऑलवेज. आई गेस मैं एक मैं किसी से मिला था कहीं और वो आए एंड वो एक लेडी थी, तकरीबन 30-40 के आसपास उनकी एज हो सकती है. वो आए एंड शी स्टार्टेड लुकिंग एट मी एंड आई आस्क्ड हर, कि आसपास के लोग भी सब देख रहे थे कि क्या हुआ है, क्यों. तो हमने पूछा उनसे कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो. तो मैंने कहा कि सॉरी, मैं खुद को नहीं पा रही हूँ, द थिंग इज कि मैं आपके शो देख के, आपको देख के, मेरे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरा जो सैडनेस है, मेरा जो पेन है, वो सब एलिमिनेट हो गया, यू नो, आई वांटेड टू लीव दिस वर्ल्ड एंड मुझे नहीं जीना था, आई वांटेड टू टेक माय ओन लाइफ, बट आपके शो से एंड ये चीजें मुझे, आपका शो, आपका परफॉर्मेंस, श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स, इन सब चीजों ने मुझे लाइफ में वापस स्टेबल कर दिया. नो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज़ वेरी बिग थिंग इन टुडेस डेट वी ऑल सर्च फॉर सर्टेन थिंग्स, राइट, कि हमें कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे हमें पीस ऑफ माइंड मिले, हमें खुशी मिले, सभी लोग ढूंढ रहे थे, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी और
ये मैं कभी नहीं भूल सकता. यू नो मोर देन समवन कमिंग एंड सेइंग दैट यू नो आई लाइक योर एक्टिंग और यू नो गुड और व्हाटएवर, ये कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा अच्छा लगता है ये सुनना कि किसी को जेन्युइनली हम हेल्प कर पाए उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. दैट्स अ बिग थिंग. सो इट वाज अ आई थिंक इट्स ह्यूज व्हेन समबडी सेज दैट यू नो आई वाज मतलब मुझे लाइफ से इशू हो गया था टू दिस एक्सटेंट बट यू नो इन सीइंग यू वाचिंग यू हेल्ड मी बैक एंड इट्स सच अ ह्यूज. डिड यू फील प्रेशराइज्ड आफ्टर दैट? ऐसा आपको लगा कि यू नो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर हैप्पी बट कैसी फीलिंग हुई कि यार यू नो बहुत उम्मीदें हैं लोगों की मुझसे, यू नो डिड यू फील लाइक दैट? हैं रहेंगी. आई फील दैट ऑफ के लोगों की उम्मीदें काफी जुड़ी हैं हमसे. बट देन यू इट्स अबाउट हाउ यू टेक इट इनटू कंसीडरेशन. आप खुद को कितना रिस्पांसिबल बनाते हो एंड यू कैन नेवर बी परफेक्ट नो मैटर व्हाट यू डू. तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि इन इम्परफेक्शंस के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत बड़ी चीज है. अभी क्या है ना कि बचपन से आपने इतने सारे सवाल पूछे तो हम फ्लैशबैक में गए जहां पे कोई देखने के लिए था नहीं. अभी कोई भी छोटी चीज या एरर या कोई भी फ्लॉ होता है, जैसे हर इंसान में होता है, आपका फ्लॉ हो या आपकी अचीवमेंट्स हो या आपकी अच्छाई हो बुराई हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लोग देखते हैं आज के डेट में क्योंकि इतनी विजिबल होती है बिकॉज यू आर स्टेज तो लोग देखते हैं उतनी सारी चीजें. तो वो चीज होती है. आई फील समवेयर की आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू डू द राइट थिंग्स व्हेनेवर इट्स पॉसिबल फॉर मी. नाइस, परफेक्ट. ऑफ कोर्स मालिका, योर वन फैन मोमेंट, ओवरवेलमिंग इमोशनल, स्टेड बैक विद यू. देखो ऐसे बहुत सारे हैं, किसको मेंशन करना है मुझे नहीं पता, बट मेरी सब साइड में छोड़ के आई स्टिल रिमेम्बर अ गर्ल वो जो भाग के आई थी उम्मीद के लिए. मेरे को अभी तक वो जहन में है कि वो सब छोड़ छाड़ के भाग के यहाँ पे इससे मिलने आई थी. एंड बहुत से लोग हैं जिससे हम अनअवेयर हैं, जो शायद हम तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और वो दूसरों का सहारा लेते हैं. ऐसे डेली बेसिस पे कितने लोग मिलते हैं कि ये आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है. ऑब्वियसली हमारे हर एक को ग्रीट नहीं कर सकते, हर एक से बात नहीं कर सकते, शूटिंग का स्केड्यूल ऐसा होता है और इतने सारे हमें प्यार करने वाले हैं. आई रियली फील ब्लेस्ड बोथ ऑफ अस. बट ऐसे भी लोग हैं जो घर छोड़कर मिलने आए हैं इतने दूर और कैसे रहना है, कहाँ रहना है ये भी नहीं पता है, बस मिलना था, एक झलक देखनी थी. अगेन ऐसे बहुत लोग रहे हैं जिनको मैं जानती भी नहीं, जिनका मैं नाम भी नहीं जानती, बस सुनने को मिलता है बहुत. मतलब तो बुरा भी इतना लगता है कि हर एक को हम कैसे खुश रख पाएंगे या कैसे इतना वो ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि हम खुद की लाइफ में इतना इन्वॉल्व है. ऐसे किसी को किसी से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है और आई थिंक किसी को पर्टिकुलरली मेंशन करना भी बहुत डिफिकल्ट है. ऐसे डेली बेसिस पे भी मैसेज आता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पर्सनली हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि क्या इसमें से सच है क्या झूठ है, हम फिगर आउट ही नहीं कर पाते. बट आई अंडरस्टैंड इट कैन बी अ लॉट. या हैंड्स फुल, ब्रेन्स फुल, हैंड्स फुल. इट्स अ बिग थिंग. या तो एक्टर्स फेक हो जाते हैं या तो एक्टर्स को खुद को ग्रो कराना पड़ता है. अगर आप ग्रो करते हो अबव योरसेल्फ ओनली देन यू कैन गिव टू पीपल. नहीं तो फेक हो जाएगा. तो आपको सबको खुश भी रखना है, आपको किसी का दिल भी नहीं दुखाना है, बट आप ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देख लेते हो ना कि आप एक टाइम ऐसा भी आता है एक एक्टर की लाइफ में आई थिंक कि आप ना खुद को बस आइसोलेट करना चाहते हो कि यार इतना अच्छी दुनिया देखी है उसके बाद ये सब भी देखने को मिल रहा है. यू जस्ट रन अवे फ्रॉम दिस लाइफ एंड जस्ट लिव अ हैप्पी लाइफ फॉर सम टाइम मे बी. All of us wants to. So, इतना लोग प्यार भी देते हैं, इतने फेक फैंस भी होते हैं. अब कौन है, फेक कौन है, you never know. After all, we are all humans, no? We don't know कि आज हम शायद इस एक्टर को पसंद करेंगे, कल को नहीं करेंगे. ऐसा भी होता है. You are always at your growing stage, no matter what. Even if you feel like you're not growing, you're always growing in a bad way or a positive way or whatever way. You're just not aware about that. The time is always continuously passing, no? So, ऐसे बहुत से fans आए हैं set पे, oldies आए हैं, हमारी हम उम्र आए हैं, हमसे छोटे आए हैं, इतना प्यार करते हैं. But I still remember that girl who ran away from her place and just to meet him.
आई नॉट फॉरगेट दैट कि पता ही नहीं है कि कल को फ्यूचर क्या है, कहाँ रहना है, वापस कैसे जाना है, किसको क्या शक्ल दिखानी है. सो वो बहुत मुश्किल स्टेज होता है और ऐसे बहुत लोग होते हैं. तो ऐसा मैं बस ये आपने मुझसे क्वेश्चन अलग किया था, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कभी मत करना. नहीं, बट ये भी मोमेंट्स हैं एज एंटरटेनर्स, एज एक्टर्स, एज परफॉर्मर्स. यू नो दीज मोमेंट्स, दे स्टे विद यू, दे मोटिवेट यू. समटाइम्स दे यस, सेट यू बैक, वी ऑल समटाइम्स दे मे बी मेक यू मूव प्राउड ऑफ. फॉरवर्ड, बट यू कीप मूविंग, कीप एडिंग पीपल, कीप डिलीटिंग पीपल. आते जाते चलता रहता है, कहानियां, स्टोरीज, ये चीजें बनती रहती है, विच इज वेरी कूल. एंड वी ऑल लिव फॉर इट, वी ऑल लिव फॉर इट. जब सामने मिलता है तो बहुत खुशी होती है. आई आई कैन काइंड ऑफ रिलेट टू इट फॉर श्योर. वन लास्ट क्वेश्चन, योर शो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, भाई बता दो 5 रीजंस जिसके जिसके लिए डेफिनेटली ये जितनी भी जनता भी देख रही है उनको डेफिनेटली जाके शो देखना चाहिए. अच्छा, वन See, वन 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 नहीं, चार का पांच हो जाएगा. ओके आई गेस सो द फर्स्ट थिंग इज श्री कृष्ण की बाल लीला, जो आई आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है कि वो आपको क्यों देखना चाहिए, मुझे बताना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग इज अगेन वे स्वास्तिक हैज पुट इट्स एफर्ट इन द शो. द नेक्स्ट टू रीजंस आर मी एंड मलिका. And डेफिनेटली. last thing, the fifth thing is that ये इसमें काफी हद तक जो कास्ट है वो राधा कृष्ण की कास्ट है. तो देव की माता जो बनी है, कंस मामा जो बने, उग्रसेन जी जो बने, बहुत सारे लोग हमारे बलराम दाऊ भी हैं. आई एम सॉरी आई कुडंट मेंशन इट एनीवेयर, बट ही इज ऑल्सो देयर. वो कृष्णा का किरदार निभा रहे हैं. पूरी राधा कृष्ण की टीम जितने भी थे जो इस शो में जिनके रिक्वायरमेंट है सभी काम कर रहे हैं. एंड एवरीबॉडी इज डूइंग इट सो वंडरफुली. तो प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, बस क्या कहूँ. और मैं सारे फैंस की तरफ से, सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोल रही हूँ. अदरवाइज आप भी यू नो यू कैन सी द नंबर ऑफ कमेंट्स, इट्स गोइंग. सो जो भी आप यू नो ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग दिस लाइव, व्हाटएवर यू वांट टू सो, जो भी आप दोनों बोलना चाहते हैं, जो भी दिल से आए. चलेगा. मैंने अभी तक एक भी कमेंट नहीं पढ़ा. आई एम सो सॉरी जो भी मैसेजेस कर रहे हैं लाइफ में, बट अभी हम देखते हैं. सुमित प्लीज हेल्प. हाँ, आपसे, आप में से बहुत से लोग हमारे लिए इतने स्केचेस भेजते हैं, पेंटिंग्स भेजते हैं कि अब घर पे रखने की जगह ही नहीं है. पर इतने प्यार से भेजते हैं ना कि हम उसको सहेज के रखते हैं, पता है. तो हाउ उसके लिए स्वीट. बहुत थैंक यू. हम हर एक को पर्सनली मैसेज नहीं कर पाते या नहीं पहुंचा पाते हैं, बट वी रियली एडमायर यू, वी रियली लव यू अ लॉट, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ऑल द रिस्पेक्ट यू गिव अस. दैट मीन्स अ लॉट. And that's one of the reason which keeps us going towards our journey ahead and keep working hard for ourselves. Thank you so much. फैबुलस. ओके, एक लास्ट टाइम, इस पे तो जयकारा बनता है, इस पे तो आवाज बनती है. हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, मुझे याद है बचपन में आवाज लगती थी. सो जाए एक बार. हाथी हाँ जी, घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय जय कन्हैया लाल कन्हैया. की. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ लव. जब भी मौका लगेगा एक बार स्टूडियोज में जरूर मिलेंगे. थैंक यू बोथ ऑफ यू. यस, ऑल्सो 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 सबको प्लीज रिमाइंडर देना चाहता हूँ. बहुत बेसिक चीज है बट इम्पोर्टेंट चीज है. आज रात से शो शुरू हो रहा है तो प्लीज देखिएगा. और ऑल्सो मेंशन यस एवरीथिंग ना, पूरा डिटेल, पूरा डिटेल, पूरा यस, डिटेल, पूरा प्लीज डिटेल. वॉच. ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी हमारा नया शो आ रहा है, तो आप 9 बजे स्टार भारत लगाइए, 10 बजे बंद कीजिए. पहले राधा कृष्ण देखिए, फिर उसके बाद हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की ये शो देखिए. आज रात से शुरू होने वाला है तो प्लीज प्लीज देखिए. एंड आई आई होप कि आप सबको अच्छा लगे. प्लीज आपके कमेंट्स और आपके पोस्ट जहां तक हो सके हम कोशिश करेंगे देखने की कि कैसा लगा आपको. एंड विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि आप सबको अपने परफॉर्मेंसेस से खुश कर सकें. थैंक यू. Fabulous. Thank you so much, both of you, for taking time out, for speaking your heart out.
and all the best for the fab work you do. I hope, I'm dead sure you guys know that you guys are loved and how. Thank you, Akuti, for having us. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye, so guys, you have to make sure that you're watching their show. Raat 9 baje, Star Bharat pe.